जावा मैं। साहिल क्या मेरी हकीकत का पता चल गया अम्मी को? मैं भी तो यही सोच रहा था, भला मेरी अम्मी मुझसे क्यों नाराज होंगी। मर्द तो औरत की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाए। बच गया साहिल। मुजरिम मेरे, मेरी माँ के, चले जाओ यहाँ से। तो औरत की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। किस बात का डर था तुम्हें? हाँ क्या खौफ था? काश साहिल की मुझे धमकी देने से पहले मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती और ज़ेबा की मदद कर देता तो आज मैं ज़ेबा का मुजरिम तो ना होता। काश। आजा। तुम कुछ देर यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? मैं खाना लगवाती हूँ। समर जाके गेस्ट रूम खुलवाओ बेटा। बेटा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, बिना झिझक मुझे बता देना। थैंक यू आंटी। तुम मुझे अम्मी कह सकती हो। जानती हूँ रिशु, बहुत अच्छा हूँ, एक प्यारा सा बच्चा। मेरी बात मानते हैं ना और वैसा करते हैं जैसा मैं कहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो झूठी है बेटे, हम सब जानते हैं आप बिल्कुल बेकसूर हो, है ना? हाँ बेटा। तेरी अकल में भूसा भर गया था। अगर तू जानता था और तूने उस ड्रामेबाज धोखेबाज लड़के को देख भी लिया था तो क्या जरूरत थी कि ज़ेबा के सामने सब कुछ उगलने की? तुझे फिर से उठा लेंगे और डाल देंगे तुझ पे कोई केस। बस कर दे अम्मा, इतनी बहस मत बन। देर से ही सही लेकिन जमीर तो जागा मेरा। जमीर? क्या फायदा हुआ जमीर जागने का? क्या कर लेगा तू और क्या कर लिया ज़ेबा और शकीला ने मिलकर? मैं तो कहती हूँ इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ले और कोई जरूरत नहीं इस मसले में पढ़ने की तुझे। तू कहती है कि मैं खामोश हूँ ना? अगर ज़ेबा ने मुझसे पूछ लिया क्या जवाब दूंगा उसे? देख आशु, इसी में अकलमंदी है। अपने घर को दे, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। ज़ेबा ने जो खोना था वो खो दिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास हम है और तेरे सिवा हमारा कोई आसरा नहीं है। अम्मा तू जो मर्जी कर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ज़ेबा का साथ दूंगा। ठीक है, जाके दो उसका साथ, लेकिन एक बात याद रखना, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। सुना तुमने? कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। परा, मेरी बात सुन। हाँ, सही कह के गई है। अम्मा तू परा। हेलो, मैं सिराज बात कर रहा हूँ। तुम रेशम के भाई हो? मैं उस घर का मालिक बात कर रहा हूँ जहाँ तुम्हारी बहन काम किया करती थी। कहाँ है वो? फौरन से बात कराओ मेरी उसे। अरे झूठ बोल रही है वो, चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है और अब खुद को बचाने के लिए मेरे मासूम से बेटे पे इल्जाम लगा रही है वो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जेल भिजवाऊंगा तुम सबको। वो हशर करूंगा तुम सबका के आने वाली सारी नस्लें याद रखेंगी। तो गरीब हो तो अपनी औकात में रहना सीखो ना। समझा देना अपनी बहन को
अगर मेरे बेटे के खिलाफ कुछ भी कहा तो समझदार हो। अब याद रखना, मेरी कॉल के बाद अगर वहां से किसी का भी फोन आया तो शाबाश। अम्मी अम्मी, वो रेशम का फोन आया था, बहुत बुरी है वो, धमकियां दे रही थी मुझे, कह रही थी कि बदनाम करेगी मुझे। मैंने भी कह दिया कि मेरे पापा ना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे बात करो, वैसे बात करो जैसे फोन पे बात कर रहे थे। कैसे? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बोलते हैं, जैसे जेबा से बात करते थे, जैसे रेशम से बात करते थे। क्या कह रही हैं आप? मजाक कह रही हैं ना? मजाक कह रही हैं? अरे बताओ मेरे। मम्मी, छूना मत। क्यों? क्यों आ रही है तुमसे? ठीक कहती है जेबा, बू आती है तुमसे। मुझसे मैंने क्या किया है? क्या हो गया है आपको अम्मी? कैसे अजीबी बातें कर रही हैं, नाराज हो रही है मुझसे, गुस्सा कर रही है। मैं तो आपका प्यारा डाडा साहिल हूँ ना। ठीक से बात करो, ड्रामा मत करो मेरे साथ। इस तरह बात कर, ऐसी तो बात करता हूँ मैं। वो तो रेशम से मैं गुस्से में आकर ने कान भरे हैं ना आपके, ना मेरे जाने के बाद उसने जो कुछ कहा आपने सब यकीन कर लिया। मेरी आंखों ने जो देखा है और कानों ने जो सुना है, मैं उस पर यकीन कर रही हूं। ये जो तुम्हारा गंदा गलीज रूप है ना, मैंने पहचान लिया है। तुम साहिल नहीं हो, तुम साहिल हो ही नहीं सकते, तुम तो जानवर हो। मत करें ऐसी बात, उलझन हो रही है मुझे, और आपकी भी तो तबीयत ठीक। दूर हटो। नहीं करे ऐसा, नहीं करे, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है, दिल कर रहा है कि तो जो दिल करे वो करे। फिर मांडा चाहती है ना मुझे, मारे 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 मारे, खुश हो जाएं आप। ये सब कुछ करके आपको सुकून मिल जाएगा ना अम्मी? मत कहो मुझे अम्मी, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो साहिल हो ही नहीं। मेरा बेटा बहुत मासूम, बहुत भोला भाला है, तुम तो जानवर हो। मैं हूं आपका बेटा, आपका साहिल नहीं, तो भोला भाला मासूम। मुझे आपसे इतना देखे, प्यार की नजर से मुझे देखे तो नफरत हो रही है मुझे तुमसे। ये अरसे तक तुमने धोखे में रखा मुझे, अपने बाप को, अफसा, अरसला, सबको। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा, वैसे ही बनते आए हो जिस तरह आप लोग मुझे देखना चाहते थे। आपके लिए, अफसा की, अरसला के लिए, वही भोला भाला सा बच्चा, मासूम सा साहिल, और आप क्या कर रही हैं? एक दो टके की नौकरानी के चक्कर में आप अपने बेटे को जानवर कह रही हैं? वो दो टके की नौकरानी नहीं है, औरत है वो। मैंने तुम्हें औरत की इज्जत करना सिखाया था। कौन हो तुम? मरना चाहती है तुम्हारे, और मारे, और मार के खत्म कर दे मुझे। लेकिन प्लीज प्लीज इस तरह ना करें,
हम सारी बातें भूल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, मैं आपका साहिल, प्यारा साहिल बन के रहूंगा। प्लीज प्लीज मेरी अम्मी बन जाओ वापस। तुम कैसे कर सकते हो ये, तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं सका हूं। तुम्हारी असलियत मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। कौन सी असलियत के बारे में बात कर रही हैं आप? क्या बताएंगी आप, और कौन आपकी बात पर यकीन करेगा? वो रेशम तो गई अम्मी, और जेबा को खुद आपने समद के साथ जोड़ दिया। हफ्सा अरसल्ला के सामने आपने बाबा पर शक, शक नहीं यकीन जाहिर किया। अब मैं नहीं चाहता कि लोग आप पर हंसे, मुझे वाकई तकलीफ होगी। आप मेरी प्यारी अम्मी ना, प्लीज प्लीज सब भूल जाए, मुझे माफ कर दे। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और कमीने हो, लेकिन देख लेना ये जो तुम्हारा असल चेहरा है ना, ये मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी, एक एक के सामने, आज नहीं तो कल, चाहे लोग मेरा यकीन करें या ना करें, तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। मत करें ऐसा। उससे पहले मैं ये चाहूंगी, बेहतर तो ये होगा कि तुम खुद अपने गुनाह का एतराफ करो, माफी मांग लो। आज नहीं तो कल, चाहे लोग मेरा यकीन करें या ना करें, तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। ऐसे क्या देख रहा? बहुत प्यार आ रहा है आप पे। जिस तरह आप जेबा को घर लेकर आई हैं, उसके लिए शुक्रिया। मैं ना लाती तो तुम ले आते, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सच में यही करने वाला था, इतनी अच्छी तरह जानती है मुझे। हर माँ अपनी औलाद को अच्छी तरह से जानती है। वैसे मेरा दिल दहल गया ये सोच करके उस बच्ची के ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरी और क्या कुछ उन लोगों ने इसके साथ नहीं किया। ऊपर से उसकी माँ की मौत, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, इन हालात ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं। कोर्ट की हियरिंग सर पर है और वो यहां हिम्मत हार के बैठी है। मैं नादिया के यहां गई थी, उसे भी एहसास हो गया इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसे ये भी पता चल गया कि गुनहगार सिराज है। वो गलत सोच रही है, असल मुजरिम साहिल है। अब तो हाशिम ने भी कह दिया कि उसने साहिल को वहां देखा था। साहिल कैसे हो सकता है बेटा?
आप साहिल को बच्चा ना समझें। कोई और नहीं है, साहिल है। लेकिन बेटा नादिया तो कह रही थी कि गलत कह रही है। आपको मुझ पे यकीन है सब आंटी? बेटा तुम पे बिल्कुल यकीन है मुझे, तो फिर अच्छा छोड़ इन बातों को, बैठो नाश्ता करो। आओ यहाँ बैठो। शुरू करो बेटा। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। नहीं ज़ेबा, तुम वहां वापस नहीं जाओगी। क्या बात हो गई बेटा, तुम हमसे नाराज हो? नहीं सब आंटी, ऐसी बात नहीं है। आपने इतने मान से कहा था, मैं आपको मना नहीं कर सकी। लेकिन किस रिश्ते से रहूं यहाँ? दुनिया को दोबारा मौका मिलेगा मुझ पर उंगलियां उठाने का और समझ पे तोहमत लगाने का, इसलिए मैं किसी की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और अपनी जिंदगी खुद आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर ज़ेबा प्लीज समझ, मुझे मत रोकिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे ये जंग खुद लड़नी है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सब आंटी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में रखा। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि हर माँ को समझ जैसा बेटा मिले, हर घर से दूर, हर लालच से पाक, जो हर इंसान को एक नजर से देखता है और औरत की इज्जत करता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि समद आपका बेटा है, और समद आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी माँ सब आंटी ये यकीनन आपकी नियत और तरबियत ही है। बाकी मेरी वजह से आपको जो परेशानियां उठानी पड़ी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलो नाश्ता करो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। कहीं बाहर निकली भी हो? हाँ। देखो मैं जानता हूं जो तुम्हारे जहन में चल रहा है, लेकिन प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि तुम वो नहीं जानती जो मैं जानता हूं। नहीं सिराज, जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? आज रात जल्दी घर आ जाना, सब बताती हूँ। बाय। ये जो तुम्हारा गंदा गलीज रूप है ना, मैंने पहचान लिया है। तुम साहिल नहीं हो। तुम साहिल हो ही नहीं सकते, तुम तो जानवर हो। ठीक कहती है ज़ेबा, बू आती है तुम में से। ज़ेबा सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी माँ मुझसे नफरत करने लगी है तुम्हारी वजह से। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
सारे नोट्स बना लिए थे ना ठीक से, क्योंकि मुझे तो साहिल क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों बैठे हो इधर? कुछ बोलो भी, फिर कोई बात हुई है? अम्मी कहाँ है? किसी को मेरी परवाह नहीं, हम अपने कामों में लगे हुए, घर में इतनी मुश्किल है, क्या जरूरत थी पढ़ने जाने की? एक मिनट साहिल, अम्मी अब्बू के बीच फिर कुछ हुआ है क्या? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। नहीं, मामा जो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। तो फिर क्या हुआ है, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? मैं सुबह को अम्मी के कमरे में गया था तुमसे उनकी तबीयत पूछते के, मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा मुझे, कहने लगी कि मैंने वो रेशम से बात क्यों की, कि मेरी वजह से वो घर छोड़ के चली गई है, अजीब अजीब से सवाल आते रही थी मुझसे, सच से मुझ पे शक हो। तुम पे शक? क्या मतलब है? पता नहीं, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। ये अम्मी को क्या होता जा रहा है, है कहाँ वो? अम्मी, अम्मी घर तो नहीं है, कहीं बाहर गई है, पता है मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है मेरे साथ, ऐसे जैसे मैं कसूरवार। अच्छा तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। नहीं होगी वो ठीक, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दो, वो न पता सारे लोग न अम्मी को मेरी तरह पागल कहेंगे। चुप कर जाओ साहिल, मेरी बात सुनो, कोई पागल नहीं है, ना तुम ना ही अम्मी। यकीन करो मुझे शकीला की मौत का बहुत दुख है, मुझे लगा खुश होंगे आप, मेरी माँ के जाने के बाद मैं अकेली रह गई, ताकत खत्म हो गई ना मेरी, तो मैं हार जाऊंगी। नहीं सीता, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, मैं बनूंगी तुम्हारी ताकत। अच्छा तो आज वो मीडिया और अखबार वाले नहीं आए, साथ नहीं लाई उन्होंने अपनी? मैं बहुत शर्मिंदा, मैं तुम्हें गलत समझती रही, तुम्हें बेइज्जत करती रही, तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा मैंने, इस दिन मीडिया के सामने मैंने जो, उसी वजह से मेरी मां मर गई, बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं सब, प्लीज मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। आप लोगों को तो खुदा भी माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो? नहीं कभी नहीं, बल्कि मुझे तो तब तक चैन नहीं आएगा जब तक आपके मासूम बेटे का इबरतनाक हशर होते ना देख लूं। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करो, मैं जान चुकी हूँ कि साहिल हाथ नहीं लगाएगा, पास नहीं आएगा मेरे आपसे, आपके खलीस बेटे की बुआ आती है। तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मैं जान चुकी हूँ कि मेरा बेटा ही तुम्हारा गुनहगार है? हाँ, मैं कल तक सिराज पर शक करती रही, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से साहिल को देखा है, घर की दूसरी मुलाजमा के साथ वही घर का भेदी है, वही मुजरिम है तुम्हारा। सिवा तुम सच्ची थी, तुम बिल्कुल सच्ची थी सिवा, लेकिन तुम मुझे खुद बताओ मैं तुम पर कैसे यकीन कर लेती, वो मेरा बेटा है। इसीलिए मैं आप पे यकीन नहीं करी, क्योंकि वो आपका बेटा है।
क्या पता ये आपकी कोई नई जान। सबा आंटी को आप कहती है कि आपका शौहर है, मुझे आप कहती हैं कि आपका बेटा है। बेवकूफ हूं मैं? आप जैसे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया और समझ लिया है, तो ये जो ड्रामा आप कर रही हैं मत करें, क्योंकि यहाँ नहीं चलना है मैंने, और मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। निकले मेरे घर से। पूरी बात तो सुनो। बस मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, उठिए आप मेरे घर से बाहर जाए। बात सुन तो। बस धक्के मार के निकालो या खुद जाएंगी। जाए सेवा, ये बात सच भी हो सकती है। सच ही है समझ, लेकिन ये औरत झूठी है, इसलिए इस पे यकीन नहीं कर सकती मैं। यकीनन इसकी कोई नई चाल होगी, कोई नई साजिश होगी। नहीं सेवा, एक माँ के आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। मैंने बचपन से जानता हूँ, यकीनन साहिल की दोहरी शख्सियत का राज इन पर खुल चुका है। ये झूठ नहीं बोल रही, और इस बात की गवाही मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो फिर सबा आंटी को उन्होंने सिराज का नाम क्यों लिया? क्योंकि कल तक इन्हें सिराज अंकल पर शक था, लेकिन आज साहिल का नाम पूरे यकीन से ले रही हैं। सेवा, तुम्हारा दिल माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि साहिल का दूसरा चेहरा सामने आ चुका है। चलो कमरे में जाओ अपने, सब ठीक है, मैं आती हूँ सामान रख के हसीना के साथ बातें करेंगे तुम्हारे। चलो चलो चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई है। पापा को छोड़ के साहिल पे शक कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं अर्सला, मुझे बस ऐसे लगता है कि इस सारी सिचुएशन में अम्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, जिसकी वजह से उनके सहन पे असर हो गया। इसका मतलब है कि अब मुझ पे शक कोई नहीं करेगा, मेरी ट्रिक काम कर गई। आई लव यू अम्मी, आई लव यू सो मच, पर आई एम सॉरी, ये करना भी जरूरी था ना। लगता है कि तुम हार भूल गया, आज मेरे सामने खड़ा होकर उससे बात करना चाह रहा है, और वो भी उस केस पर जिसका अदालत एक दो दिन में फैसला देने वाली है। दिमाग खराब मेरा मत कर, जा यहाँ से। जी मैं जानता हूँ कि फैसला आने वाला है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बयान लिखें। दिमाग खराब हो गया? तेरा पहला बयान मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें तुमने खुद इकरार किया है कि जेबा का मुजरिम तू है। तो शुक्र अदा कर कि मैंने अदालत में पेश नहीं किया, वरना वो झूठा बयान था जो कि आपने सिराज के कहने पर मुझ पर तशद्दुद करते हुए जबरदस्ती लिखवाया था, जबकि सच तो यह है कि मैं उस वाकये का चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह और तू, ये बकवास समझ रखा है क्या मुझे? चल दफा यहां से। देखिए, अगर आपने मेरा बयान नहीं लिखा तो मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा, और मीडिया वालों को भी, कि असल मुजरिम साहिल है, कोई और नहीं। हवलदार। जी सर। लेके जाए इसको, बंद कर लॉकअप में, और कर इसकी खिदमत। जी सर। चलो। लेकिन दाई साहब, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चलो। रुको, हम ये मुसीबत क्यों पाले? लेकर जाए इसको इसकी माँ के पास, और उसको बोल के इसको समझाए। इस दफा अगर ये अंदर गया तो इतना लंबा जाएगा कि फिर अभी निकल नहीं सकेगा। लेकिन जैसे देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चलो, मेरी बात सुने तारी साहब। बना दिया नादिया, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, क्या हुआ है कुछ बोलो तो।
दिखा दिया। देखो बच्चे फिक्रमंद हैं, मैं खुद परेशान हूं, कुछ तो बोलो नादिया, क्या किया है तुमने? नादिया जो कहना चाहती हो कह दो, मैं सुन रहा हूं, कि प्लीज मुझ पे इल्जाम ना लगाना। मुझे माफ कर दो सिर्फ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया बच्चों के सामने, माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा, मेरा जहन बंद हो जाएगा। बताओ क्या कहना चाहते हो? ज़ेबा, शुरू से कहती आई कि साहिल। हाँ तो झूठ बोल रही है, सब जानते हैं गलत कह रही हो। नहीं बोल रही है वो झूठ, ज़ेबा झूठ नहीं बोल रही है, साहिल नहीं उसके साथ, तो ही उसका गुनेग। तुम पागल हो गई हो? प्लीज सिराज प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, साहिल बिल्कुल ठीक है, उसे कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, वो ही ज़ेबा का मुजरिम है। मेरे समद, फिर हाशिम, फिर मैं, और अब साहिल, ऐसा हो ही नहीं सकता नादिया। जरूर तुम्हारी कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तेरी बात का यकीन कर लो प्लीज। नादिया तुम मुझ पे इल्जाम लगाती रही, मैं चुप रहा, लेकिन अब साहिल ने लाडले बेटे पे इल्जाम लगा रही हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। सिराज प्लीज तेरी बात सुनो। नादिया तुम्हारा कोई दिमाग ही मसला है, बैठ जाओ बैठ जाओ। सिराज सिराज किस तरह समझाऊं कि मैं जान चुकी हूं कि मेरा बेटा ही तुम्हारा गुनहगार है। मैं कल तक सिराज पर शक करती रही, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से साहिल को देखा है, घर की दूसरी मुलाजमा के साथ। सिवा तुम्हारा दिल माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि साहिल का दूसरा चेहरा सामने आ चुका है। बादल गरजने की आवाज सुनकर तुम्हारा ख्याल आया, सोचा कहीं तुम डर ना गई हो। डर खौफ ये सब चीजें मेरी जिंदगी से जा चुकी हैं, आप फिक्र ना करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है मैं कल ऑफिस जाने से पहले आऊंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बस कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है, बात करता हूं रेशम से। मेरे खानदान में आग लगा के भाग गई वो, मैं तो हशर नशर कर दूंगा उसका और उसके पूरे खानदान का। बाबा वो रेशम तो अपने गांव चली गई और मैंने तो उसे। तुम चुप करो साहिल, एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से, समझे हो? बाबा आप भाई पर क्यों चीख रहे हैं? हमेशा आपका गुस्सा भाई पर ही उतरता है। पहले अम्मी ने भी इसको डांटा है, पता नहीं क्या हो गया आप दोनों को। और प्लीज अब ये रेशम वाला चैप्टर बंद कर दें, पहले ज़ेबा अब रेशम, अम्मी को भी ऐसी नौकरानियां मिलती हैं। अम्मी कहाँ पर है? बाहर लॉन में बैठी है, बारिश में भीग रही है।
दे मुझे। अम्मी देखे ना मेरी तरफ, मैं साहिल हूं आपका। अम्मी अम्मी अम्मी